नमस्कार, मैं हूं धनश्री। के क्या न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर में इन दिनों खत्री दंपत्ति के द्वारा बंटी बबली की तर्ज पर नागरिकों को परेशान किया जा रहा है। ताजा मामला पंकज तिवारी और उनके परिवार के साथ देखने को मिला, जहां पीड़ित परिवार द्वारा पत्रकार वार्ता के माध्यम से पूरे मामले की जानकारी दी गई। वही पूरे मामले में जानकारी देते हुए पूजा तिवारी ने बताया कि उनके पारिवारिक संबंध खत्री परिवार के साथ थे। खत्री परिवार को कुछ समय पहले पैसे की जरूरत थी, जिसको देखते हुए उनके पति पंकज तिवारी ने खत्री परिवार को मदद करते हुए 15 लाख रुपए दिए थे और खत्री परिवार द्वारा उस समय पैसे वापस करने के लिए कहा गया था। जब पंकज तिवारी ने मोतीलाल खत्री और उनकी पत्नी से उनके पैसे वापस मांगे, तो उन्होंने पैसे वापस ना करते हुए उन्हें झूठे मामले में फंसाने की धमकी देना शुरू कर दिया। उनके परिवार के साथ नहीं हुआ, बल्कि कुछ अन्य परिवारों के साथ भी मोतीलाल खत्री और उनकी पत्नी ने इसी प्रकार की ठगी और धोखाधड़ी का कार्य किया है, जिसको लेकर पीड़ित परिवार अब पुलिस पूरे मामले की शिकायत करने जा रहा है। पहले उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, पर अभी तक किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई है। वहीं पूजा तिवारी ने कहा है कि खत्री परिवार द्वारा उनके परिवार को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जा रहा है और लगातार झूठे मामले में फंसाने की धमकी भी खत्री परिवार के द्वारा दी जा रही है। वहीं पंकज तिवारी को रेप केस में फंसाने की धमकी दी जा रही है और 10 लाख रुपए की मांग खत्री परिवार के द्वारा की जा रही है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। अभी से मैं एक सहयोग की उम्मीद करती हूँ। मैं पूजा तिवारी, जो इस किथ में बहुत बुरी तरीके से फंस के परेशान हूँ। पिछले कुछ विगत 4-5 सालों से मेरे पति ने पारिवारिक रूप से सहयोग करके एक परिवार को सहयोग दिया, खत्री परिवार को, जिसका गलत फ़ायदा उनके परिवार के लोगों ने उठाया और लगभग एक बड़ी रकम का यूज़ मेरे हस्बैंड से किया है, जिसके बिलों का उल्लेख यहाँ पर डिटेल्स में है। रकम बड़ी होने के कारण आज हम लोगों की स्थिति ये है कि हम लोग फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। साथ में अगर ये रकम मांगने जाते हैं, जैसे मेरे हस्बैंड गए तो उन्होंने उनके ऊपर FIR लगा दी। मैंने मांगा तो मेरे को भी बार बार बोला कि आप पैसा मांगने के लिए हमको धमका रही हैं, ब्लैकमेल कर रही हैं, दुनिया भर की चीज़ें। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई अगर आप पैसा लेते हैं तो आपको लौटाना पड़ेगा। आपने पारिवारिक परिचय के आधार पर पैसे दिया और आज लौटाने की नियत ना रखते हुए आप दुनिया भर के एलिगेशंस लगा रहे हैं। तो महिला कौन है जिसने आपके पति से पैसे लिए और कैसे कोई संबंध थे, व्यवहार बने थे? भैया, ये पारिवारिक संबंध से मेरी सास के द्वारा बनाए गए हुए थे और उनके कहने पर ही घर में आती थी तो मेरे हस्बैंड ने हेल्प करी, पर मुझे नहीं पता था कि हेल्प की कीमत इतनी बड़ी हम लोग को चुकानी पड़ेगी कि आज दोनों पति पत्नी विभिन्न प्रकार के आरोप लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम अगर आप लोग क्या कहना चाहिए आपके हस्बैंड के ऊपर अलग अलग प्रकार के एलिगेशंस लगा देंगे। क्या नाम है दोनों पति पत्नी? पिंकी खत्री और पिंकी खत्री सोनिया खत्री या फिर मोतीलाल खत्री लिखते हैं। बार बार क्यों आपके पति को ब्लैकमेल कर रहे हैं, मतलब कि जो पैसों का दबाव बना रहे हैं? और महिला का कहना है कि अगर आप मेरे से पैसे मांगेंगे या चीज़ें मांगेंगे तो मैं विभिन्न प्रकार के, जो महिलाएं उपयोग करती हैं आज के समय में, जो समाज में एक सुविधा दी गई है या पुलिस के द्वारा या प्रशासन के द्वारा हमें महिलाओं को एक सुविधा कि भाई आप 376 या ये अगर आपके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार होता है, पर ये कई प्रकार से खबरें आ रही हैं कि अगर आप हमें पैसा नहीं देंगे तो हम इस प्रकार के एलिगेशंस लगाएंगे। भैया, मेरी पूरी एक फाइल है, मैंने इसकी घटना की आपने शिकायत पुलिस में करी? बिल्कुल करी भैया। क्या कर रहा है पुलिस के द्वारा, क्या किया? हम बुला के बातचीत करेंगे, जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपका शुक्रिया। पूजा तिवारी। महिला पिंकी खत्री द्वारा एक परिवार को भी हुआ है, इसमें क्या इसकी शिकार आप भी हुई है? जी हाँ, मैं भी हुई हूँ इनकी शिकार। मेरा मुझे भी है ना, मेरे घर में घुस के मतलब प्यार से सबको पारिवारिक रूप से आकर हम लोग से जुड़कर दीदी ने अपने ज़रूरत की चीज़ें मतलब उनका बोलेगा कि मैं बहुत परेशान हूँ, उस वजह से उनने है ना मुझसे पैसे लिए। इसके पहले भी 10 लिए थे तो उनने मुझे लौटा दिए थे, फिर 25 लिए, इसलिए मैंने उस हिसाब से उनको 25,000 दे दी। मेरी ज़्यादा कोई बड़ी रकम नहीं है और मेरी इतनी भी बड़ी कोई औकात नहीं कि मैं इससे ज़्यादा दे सकूँ, और अभी तक उनने मेरे कोई पैसे भी नहीं लौटाए। और जब मैं इस पैसे की मांग करने जाती हूँ उनके घर में जाती थी तो उन लोगों ने हमेशा मुझे भगा दिया और उनके पति ने भी मुझे धमकी दी कि है ना यहाँ मैंने मैं तुम्हारे पैसे वापस नहीं करूँगा, मैंने नहीं लिया है। ये किसकी आपने शिकायत की है? हाँ, मैंने है ना ये संजीवनी थाने में की हूँ। और क्या कार्रवाई हुई इस पर? FIR चल रही है उसके ऊपर। पुलिस द्वारा अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई की गई? हाँ, चल रही है, मगर अब कोर्ट ने नहीं। हाँ, आपका शुक्रिया। मेरा शारदा पेंदा। मिस्टर पंकज तिवारी, उनकी वाइफ मिसेस पूजा तिवारी।
ये मेरे पास आए थे केस लेकर, उन्होंने मेरे को पूरी चीज़ें बताई कि इनके परिवार के साथ किस तरीके से धोखाधड़ी करके दो हस्बैंड वाइफ हैं, मोतीलाल खत्री और सोनिया पिंकी खत्री, ये उनका नाम है, इन्होंने इनके साथ धोखाधड़ी करी है। कुछ 11 लाख समथिंग का ट्रांजेक्शन है और जब आप पैसे वापस मांग रहे हैं तो वो इनको ब्लैकमेल कर रहे हैं कि हम तुम्हारे ऊपर रेप केस लगा देंगे। अब आपका अगला स्टेप क्या है सर? आप लोगों की हेल्प के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा यही रहेगा कि हम एसपी साहब से मिलेंगे और गुहार लगाएंगे इसी चीज़ की, ये केस समझें, क्योंकि इसमें सीधा सीधा धोखाधड़ी हुई है, 420 का केस बनता है। और भी किसी के साथ में धोखाधड़ी की जाएगी सर? अब ये तो जिस दिन आप लोगों की मदद से सब कल के दिन अगर पेपर में आता है, मीडिया में आता है, तो शायद और लोग बताएं आके, नहीं तो इतनी हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं कि आके इतने खुले में बात कर सके, क्योंकि सेंसिटिव मैटर होता है, परिवार टूट जाते हैं, अंदर ही अंदर सड़ते रहेंगे, अंदर ही अंदर मन खराब होता रहेगा उनका, परेशानियां फेस करेंगे, लेकिन सामने आके हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं। मेरा एडवोकेट रवि सिंह। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।